नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, अभी आप एक मुगल सम्राट देख रहे होंगे, बाबर के वंशज, बाबर के पुत्र हुमायूं, जो कि भारत में लगभग 4 बार लगातार ये युद्ध किए। खास करके इनका जो बिल ये आपको तीसरा युद्ध था, उस युद्ध में ये शेरशाह का नाम आपने सुना होगा, उससे ये हार गए थे। और समझे हुमायूं को वो यहाँ से भागने के लिए विवश किया और ये भागकर भी चले गए, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं माना, फिर ये एक बार आए। तो इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर हुमायूं ने कौन कौन सा युद्ध यहाँ पर लड़ा और वह युद्ध कब हुआ था, इससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछती है। तो अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हुमायूं के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध कौन कौन सा है। तो गौर कीजिएगा, मात्र 1 मिनट का आप हमको टाइम दीजिए और मात्र 1 से 2 मिनट में हम आपको याद कराने वाले हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने कौन कौन सा युद्ध यहां पर लड़ा था। बस एक ट्रिक से आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। वो कौन सा ट्रिक है? तो एकदम नॉर्मल वर्ड है, देव 24 घंटे, 24 घंटे जगे रहते हैं, रहते हैं। देव का मतलब क्या? देवता। इन देवता के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान जो हैं, देवता जो हैं, वो 24 आवर जगे रहते हैं, क्योंकि यदि वो सो गए मतलब हम लोगों की जीवन लीला क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, हम सभी लोग सो जाएंगे। अतः आपके सामने इस हुमायूं के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सा युद्ध वो लड़े थे और वो युद्ध कब हुआ था, इससे भी सवाल बनेगा। तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, देव 24 घंटे जगे रहते हैं। कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा, देव से हो जाएगा देवरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा बाबू? देवरा का युद्ध। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1531 में। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। दूसरा आपका हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में। बी से हो गया बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध बाबू? बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम का युद्ध जानते कब हुआ था? 1540 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और 100 से क्या हो गया भाई रे? तो 100 से हो गया सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। और जानते हैं कब हुआ था? 1555 में। कब हुआ था? 1555 में। तो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया कौन कौन युद्ध हो गया? देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। कौन कौन? देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में। याद हो गया? यदि आपको मेरे दोस्त याद हो गया तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करना, ताकि हम वहां तक पहुंच सके जहां बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।